और यार आज की वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम है। और आज आप देख ही सकते हैं मौसम इस वक्त जो है वो किस तरह का हुआ है। आज -6 है अभी जब मैंने लास्ट 5 मिनट्स पहले चेक किया था, मगर इट डजेंट फील लाइक -6। एनी हाउ बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो आज जो है वो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है और एक मिसकंसेप्शन भी रहती है मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साउथ एशिया से, पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, कि जर्मनी के अंदर जो प्लेसमेंट्स हैं, जो क्योंकि हमारे वहाँ मोस्टली ऐसे होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कंपनीज़ उनके अंदर आती हैं और वो रिक्रूट करती हैं वहाँ से जो ग्रेजुएट्स हैं और उनको इस तरह से जॉब मिल जाती है। तो इसके ऊपर मैं आपको जर्मनी में जो सिचुएशन है वो बता देता हूँ कि वो कैसे डील होती है। दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, एक तो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की और दूसरी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। तो पहले बात कर लेते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे होता है, क्योंकि मैंने जर्मनी में जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है। होता यूँ है कि यूजुअली जो प्लेसमेंट कल्चर है एज सच वो जर्मनी में नहीं होता, ठीक है। जो जॉब है वो आप लोगों को खुद से जो है, अभी ये हमेशा होता है, सॉरी टू कट इट ऑफ, कि जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो काफ़ी जो है वो ऑडियंस जमा हो जाती है। एनी हाउ, सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो है जॉब फेयर्स का, जिसको जॉब मेसे भी कहते हैं। जर्मनी के अंदर जॉब फेयर्स कंडक्ट होते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंडक्ट करवाती हैं। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में भी हुआ था और हर बड़ी या छोटी यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करवाती है। उसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वो आती हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और वहाँ पे जो उनके मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं, वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे मिलते हैं और उनके साथ कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और इस तरह से फर्दर जो है वो उनके उनके वो पूछते हैं कि उनके पास कोई ओपन पोजीशंस हैं या नहीं हैं, या किस तरह के उनको जो है वो इंटर्न्स चाहिए या जूनियर मैनेजर्स चाहिए, और रिक्रूटमेंट के लिए वो एक पाथवे बन जाता है। उसके अलावा हर बड़े शहर में, छोटे शहर में जो है वो हॉल्स बने हुए होते हैं, मेसा सेंटर्स जिनको आप कह सकते हैं, वहाँ पे ये फेयर्स कंडक्ट होते हैं। तो अगर आपके शहर में, आप किसी बहुत छोटे टाउन में रह रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में वो या तो कंडक्ट नहीं हो रहा या मिस हो गया, तो आप किसी भी एक दो घंटे के फासले पर बड़े शहर में जा सकते हैं, वहाँ पर ये कंडक्ट होते हैं। और स्पेशली जो बड़े शहर हैं, जो बहुत बड़े शहर हैं जैसे बर्लिन, म्यूनिख, हैमबर्ग वगैरह हो गए, इनमें तो बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं। अभी ऑफकोर्स क्योंकि ये कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन ये हर वक्त जो है वो कंडक्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जाते हैं, इधर जाके आप अपनी नेटवर्किंग करते हैं और इसके थ्रू फिर जो आप फर्दर अपनी कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करते हैं और इस तरह से जॉब मार्केट की तरफ जो है वो जाते हैं। ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होता है, लेकिन कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है, जैसे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर कुछ प्रोग्राम जो हैं वो टॉप रैंक्ड हैं, वो यूनिवर्सिटी टॉप रैंक नहीं है लेकिन जो उसके प्रोग्राम्स हैं वो टॉप रैंक्ड हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मनहाइम का जो यूनिवर्सिटी मनहाइम है, जो उनी मनहाइम है, उनका जो BWL प्रोग्राम है, जो बिथ्री स्विच ऑफ लेगा, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है, वो टॉप रैंक्ड है जर्मनी के अंदर। तो उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हैं वो उनके कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो जो उनके ग्रेजुएट्स हैं वो भी उनको रेफ़र कर देते हैं कंपनीज़ में, या कंपनीज़ उस डिपार्टमेंट के साथ, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ, BWL के डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करती है और वहाँ से भी जो है वो आपको जॉब्स या इंटर्नशिप्स जो है वो मिल सकती हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे जो बहुत ही हाई रैंक हो, जैसे मैंने कहा, जैसे जो हाइडलबर्ग है उसका जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन स्टडीज़ है वो बहुत पॉपुलर है। तो वो आपके ऊपर मैंने ऑलरेडी CHE रैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जर्मनी की किस यूनिवर्सिटी में जो उसका रैंक जो है ना वो क्या है, उस वीडियो में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कैसे होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली जो प्लेसमेंट का या जो जॉब फाइंडिंग का तरीका या कल्चर ये होता है कि जो बहुत जर्मनी में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप समझ लें कि जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो हैं वो कुछ कंपनीज़ के साथ लिंक्स होते हैं, उनके उनके साथ पार्टनरशिप्स होती हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली, कल की बात है, कि मैंने एक ऐड देखा ज़ाइस का। ज़ाइस जो है ये एक ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जर्मनी की एक ब्रांड है, और अब एक स्कूल है उसका नाम है Steinbeis स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐड में लिखा हुआ था कि उनको जूनियर प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए जो Steinbeis मैनेजमेंट स्कूल का जो है वो ग्रेजुएट हो, क्योंकि उनकी उनके साथ पार्टनरशिप है। जैसे आप अगर जर्मनी में फील्डमैन में जाएं, जो आपके आई टेस्ट या ग्लासेस बनवाती हैं, तो वो आप वहाँ से एक तो नॉर्मल ग्लासेस ले सकते हैं और जो ब्रांडेड ग्लासेस हैं, जैसे अगर आपने साइज़ की लेनी है वो एक्सपेंसिव होती हैं,
तो वो साइज कंपनी है जो वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है ग्लास की और अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरह का केस भी हो सकता है कि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप्स नहीं होती और कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनकी पार्टनरशिप्स हों कंपनीज के साथ और वो डायरेक्टली आपको कुछ कंपनीज जो हैं वो एडवर्टाइज़ ही पोजिशन में वो लिखें कि भाई इस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट ही अप्लाई करें, तो इसको भी आप जहन में रख सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी। और मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो बिज़नेस स्कूल्स हैं, जो एक्सपेंसिव बिज़नेस स्कूल्स हैं जर्मनी में, उनकी फ़ीस जो है वो कितनी तक हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। हर बिज़नेस स्कूल या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत महंगी नहीं होती, बहुत सारी जो है वो अफोर्डेबल भी होती हैं। तो ये भी एक अलग टॉपिक है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, इसके ऊपर भी किसी फ्यूचर वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो यही है कि जो प्लेसमेंट कल्चर है वो एज सच नहीं होता, आपने ख़ुद से प्रोएक्टिव होना होता है और अपनी नेटवर्किंग करनी होती है, जॉब फेयर्स में जाना होता है जो अपनी यूनिवर्सिटी में होते हैं उनसे, वहाँ से नेटवर्किंग करनी होती है, या उसके अलावा जो दूसरे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे करनी होती है, या अपने प्रोफेसर्स के थ्रू, या जो वेबसाइट्स हैं जॉब पोर्टल्स हैं उसके थ्रू अप्लाई करनी होती है, या जिंक के थ्रू या लिंक्डइन के ऊपर, इसके ऊपर भी मैंने अलग-अलग सी वीडियो बनाई हुई है। तो मोर और लेस उसका समराइज्ड वे में ये आंसर है। आई होप कि इसमें मैंने सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी इस हवाले से कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनका भी आंसर कर सकूं। एंड मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।